हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरमान एजुकेयर। तो आज मैं एसएससी का एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है यूनिक प्लेस डिजिट। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे कुछ क्वेश्चंस आपके एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो कि कुछ कोई भी वैल्यूज गिवन हो कि 5, 6, 7 इंटू 3, 4, 5 इंटू 4, 3, 2, इस तरह से आपसे क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो यूनिट डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करके यूनिक डिजिट्स को ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 567 एंड 345 को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 7 इंटू 5 ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके उसके बाद क्या बनाएंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा 7 इंटू 5 35, यानी कि लास्ट डिजिट जो भी होगा इसका वो क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 432 इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है ये दोनों नंबर भी मल्टीप्लाई होके यूनिक डिजिट क्या बनाएंगे, ये 5 एंड 2 मल्टीप्लाई होके एक यूनिक डिजिट बनाएंगे, यानी कि 5 इंटू 2 10 बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन को तो मैं इजीली तरीके से कर सकते हैं हम लोग, बट प्रॉब्लम कब आती है, जब प्रॉब्लम ये आती है जब अगर हमें ये नंबर जो है कोई भी, जैसे कि 532 इसके अंदर पावर्स काफ़ी बड़ी दे दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी पावर दे दी आपको 1, 2, 3, इतनी बड़ी पावर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो जैसे कि हम किसी भी नंबर्स की पावर होगी तो उस कोई भी नंबर आपको गिवन होगा उसका कोई ना कोई लास्ट डिजिट होगा। तो वो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, या तो आपके क्या हो सकते हैं, कोई भी ओड नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ओड में क्या हो सकते हैं, किसी का भी लास्ट नंबर 1 हो सकता है, किसी का लास्ट डिजिट जो है वो 3 हो सकता है, किसी का लास्ट डिजिट 5 भी हो सकता है, उसके बाद किसी का लास्ट डिजिट जो है वो 7 हो सकता है या किसी का लास्ट डिजिट 9 हो सकता है, यानी कि ये ओल्ड डिजिट्स हो सकते हैं हमारे नंबर के लास्ट यूनिक डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे, सॉरी। ठीक है, और इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 2 हो सकते हैं, लास्ट डिजिट 4 भी हो सकते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो 6 हो सकते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो 8 हो सकते हैं, या लास्ट डिजिट क्या है, 0 हो सकते हैं। अब अगर कोई भी हमें नंबर गिवन है और उसकी पावर कुछ भी गिवन है और आपसे पूछा जाए कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा उसके रिजल्ट का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर मान लिया, मैं सबसे पहले इस नंबर को लेके चलता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे 1 है और उसकी कुछ पावर गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि यूनिट डिजिट पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं तो ये लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं 1 की पावर n, कोई भी पावर n इज इंटीजर, एनी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो अगर ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 है और उसकी पावर में n, यानी कि कोई भी इंटीजर, कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे n की वैल्यू, तो कोई भी पावर होगी तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 हर बार मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 3 की, यानी कि देखो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो उस केस में अगर पावर n, यानी n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें ये होने के बाद इसका लास्ट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 3 की, देखो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, 81, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 क्रिएट हो गया। अब अगर मैं 81 की पावर कुछ भी बना दूं, यहाँ पे n कोई भी नंबर ले लूं, तो उस केस में इसका लास्ट डिजिट हर बार क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि इस 81 को लिख सकता हूँ 3 raised to power 4, और अगर 3 raised to power 4 की पावर अगर n कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि मैं इसको ये बोल सकता हूँ, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है और उसकी पावर 4n, यानी कि
कोई भी 4 का मल्टीपल पावर है तो उस केस में इसका लास्ट डिजिट हर बार क्या रहेगा 1 रहेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूं, देखो 5 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हर बार लास्ट में क्या है 5 ही आएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो इस केस में क्या होगा, हर बार क्या होगा लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी पावर n यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो उसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका, हमेशा 5 आएगा। सेम इसी तरह से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 × 7 = 49, 49 में 9 आ गया लास्ट में, फिर उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई करूं 9 × 7 यानी कि 63, 3 आ गया, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करूं 3 × 7 = 21 यानी कि लास्ट डिजिट यहां पे क्या बन चुका है 1 बन चुका है। अगर मैं इसकी पावर n यानी कि कोई भी नंबर करूंगा तो हर बार लास्ट में क्या रहेगा मेरा 1 ही आएगा, ये जो यूनिट है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी पावर भी n करता हूं यानी कि कोई भी नंबर करता हूं तो उस केस में हम हमेशा लास्ट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि अगर 7 की पावर 4 n है तो उस केस में लास्ट डिजिट हमेशा हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो यानी कि कोई भी अगर नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे 7 है और उसकी पावर कोई भी 4 के मल्टीपल में नंबर हो सकता है तो उस केस में इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा हमेशा 1 रहेगा। सेम इसी तरह से 9 को यानी कि मैं 9 × 9 = 81 बन गया। अब अगर मैं इसकी पावर कुछ भी कर दूं यानी कि पावर कोई भी n इंटीजर हो सकता है ठीक है, तो इसकी पावर जब भी n होगी तो इसका लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा क्योंकि लास्ट में 1 आ चुका है। तो इसका मतलब इसकी पावर भी n कोई भी नंबर हो सकता है तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि अगर 9 हमारे यूनिट प्लेस पे डिजिट है और उसकी पावर 2 का मल्टीपल है यानी कि 9 × 2 × n यानी कि 2n अगर पावर है तो उस केस में इसका लास्ट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इस तरह से हमें इनको कैलकुलेट करना है कि देखिए अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है तो उसकी पावर कोई भी हो सकती है तो लास्ट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। अगर 3 है, 3 के केस में अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो उस केस में क्या रहेगा हमेशा 1 आएगा। इसी तरह से 5 की अगर पावर कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उस केस में हमेशा 5 ही रहेगा। 7 और 9, 7 के केस में क्या होगा 4n यानी कि 4 की मल्टीपल होगी पावर तो 1 आ जाएगा। 9 के केस में अगर 2 की मल्टीपल होगी तो पावर 1 आ जाएगा लास्ट डिजिट। तो इट मींस हमेशा जब भी ओड नंबर्स आएंगे तो हमें क्या देखना है कि अगर गिवन रिस्पेक्ट में जैसे कि 1 के केस में n, 3 के केस में 4n, इनके केसेस में इस तरह से अगर पावर होगी तो हर बार क्या बनेगा 1 बनेगा सिवाय 5 को छोड़ के ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे इवन नंबर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन नंबर्स में क्या है, सबसे पहले हम 6 को उठाएंगे। देखो अगर 6 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं तो हर बार इसका लास्ट में क्या रहेगा 6 ही आएगा यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो हमेशा 6 आएगा क्योंकि 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यानी कि अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है और उसकी पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो है n, तो उस केस में हमेशा इसका जो लास्ट डिजिट बनेगा वो 6 बनेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं 2 की बात करूं, देखिए 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 यानी कि 16 6 1 आएगा। अगर मैं 16 की पावर कुछ भी कर दूं यानी कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है पावर, तो उस केस में लास्ट डिजिट क्या बनेगा। अभी मैंने बताया कि 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उस केस में पावर कुछ भी हो सकती है और उस केस में लास्ट डिजिट 6 बनेगा। यानी कि मैं 6 की पावर भी कुछ भी कर सकता हूं तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा 6 बनेगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 raised to power 4n अगर होगा तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा 6 बनेगा। तो इस केस में यानी कि 2 के केस में क्या होगा, अगर यहां पे पावर 4 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा हमारा 6 बनेगा। सेम इसी तरह से 4 के केस में यानी कि 4 × 4 = 16 बन रहा है। अब इसकी पावर मैं कुछ भी कर दूं तो लास्ट डिजिट मेरा क्या बनने वाला है 6 बनने वाला है। सेम इसी तरह से इसकी पावर n कुछ भी हो सकती है मींस 4 raised to power 2n हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा लास्ट डिजिट 6 बनेगा। 8 के केस में क्या होगा, इसके केस में 4n होगा यानी कि 8 को 4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लास्ट डिजिट मेरा क्या बन के आ जाएगा 6 ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर 0 है लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट जो है वो 0 है तो इसकी पावर मैं कुछ भी लिख दूं क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर दो वो हर बार क्या रहेगा लास्ट में 0 ही रहेगा। तो ये हमें याद करना है सबसे पहले तो कि किसके केस में क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, या तो 4 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल होगा या फिर n कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 के मल्टीपल के लिए तो एक तो 3 के केस में 4 का मल्टीपल होनी चाहिए पावर, एक 7 के केस में होनी चाहिए, एक 4 के केस में सॉरी 2 के केस में और एक 8 के केस में।
यानी कि यहाँ पे अगर 4 का मल्टीपल पावर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 3, 7, 2 और 8, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, 3 और 7 के केस में 1 बनेगा, 2 और 8 के केस में 6 बनेगा। सेम इसी तरह से इवन, यानी कि अगर मैं बात करूँ 9 की और दूसरी बात करूँ मैं 4 की, तो इनके केसेस में अगर पावर इवन भी है यानी कि 2 का मल्टीपल भी है, तो उस केस में क्या होगा कि 2 का मल्टीपल होने के बाद ये क्या होगा, 9 के केस में 1 बनेगा और 4 के केस में 6 बनेगा। 0 और 5 के केस में कुछ भी पावर हो तो वो 0 के केस में 0 रहेगा, 5 के केस में 5 रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 और इसकी कुछ पावर ही बने, फॉर एग्जाम्पल आपको पावर दे रखी है 240, ये आपको पावर देती है। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे डिजिट 3 होगा तो उसके लिए हमें पावर, अगर 4 का मल्टीपल है, मैंने बताया था ना लास्ट में कि अगर लास्ट में 3 डिजिट यूनिट प्लेस पे 3 होगा तो उसकी पावर अगर 4 का मल्टीपल होगी तो उसके इसमें लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस केस में देखो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो 3 है और इसकी पावर क्या दे रखी है, 4 का मल्टीपल देगा। अब यहाँ पे अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है, इसका लास्ट डिजिट क्या बनने वाला है, 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 1। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर इसकी पावर 1, 2, 3 जैसे इसकी पावर अगर कुछ और होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल 241 होती, तो उस केस में क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें पता है कि 3 के पावर 4 का मल्टीपल अगर है तो उस केस में तो लास्ट डिजिट 1 बन जाएगा, बट ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो मैं इसको 4 का मल्टीपल बना सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 2, 3 रेज टू पावर 240 इनटू 1, 2, 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर से मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका हमें पता है कि इस केस में क्या होगा, लास्ट डिजिट आपका 1 बनने वाला है, ठीक है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1, 2, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर यूनिट प्लेस का ही एक डिजिट बना देते हैं, यानी कि 1 × 3 ये क्या बन जाएगा, लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। मीन्स अगर मैं इस आपसे पूछूं कि 123 रेज टू पावर 241 तो इसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, तो आएगा 3। सेम इसी तरह से अगर कुछ और पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल 123 रेज टू पावर 242 ऐसा आपको दिखा, तो इस केस में भी मैं यही करूंगा, यानी कि 1, 2, 3 रेज टू पावर 240 जो पावर 4 से मल्टीप्लाई हो सकती है उसको एक साथ लिख लो, उसके बाद क्या करेंगे 1, 2, 3 रेज टू पावर 2 इसको अलग लिख दूंगा, तो इस केस में क्या बनेगा, लास्ट डिजिट हमारा 1 आने वाला है, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखो ये स्क्वायर है यानी कि ये दो, ये 123 × 123 बनेगा, तो उस केस में क्या होगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 9, तो उस केस में क्या बनेगा, लास्ट डिजिट 1 × 9 क्या आ जाएगा, 9। यानी कि इसके केस में लास्ट डिजिट मींस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बनेगा वो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है 222 रेज टू पावर 222 प्लस 333 रेज टू पावर 333 प्लस 444 रेज टू पावर 444 प्लस 555 रेज टू पावर 555। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका जो भी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस नंबर की, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, लास्ट डिजिट आपका 2 है यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है आपका 2 है। अब 2 के लिए हमें क्या चाहिए था, मैंने सब स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर 2 के लिए पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखना है कि क्या ये पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस पावर को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 222 जो कि 4 का मल्टीपल होगी और प्लस 2, ठीक है, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 222 रेज टू पावर 220 इंटू 222 रेज टू पावर 2 इस तरह से लिखा। तो इस केस में सिंपल सी बात है, ये बनेगा क्या, क्योंकि पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है 2 की, तो यानी कि लास्ट डिजिट 6 बनने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा 222 रेज टू पावर 2 है यानी कि 2 की पावर 2 है, तो 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा, 4।
तो इस केस में क्या बनेगा ये, यानी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 × 4 क्या बन जाएगा 24 का लास्ट डिजिट क्या बनेगा 4, यानी कि जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो उसका लास्ट डिजिट मेरा 4 आ गया प्लस। सेम इसी तरह से इसमें देखिए 3 के लिए पावर क्या चाहिए थी, 3 के लिए हमें पावर चाहिए थी 4 का मल्टीपल, यानी कि 4 है, तो फिर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 332 + 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो जब पावर 332 यानी कि ये 4 का मल्टीपल है ये पावर होगी तो 3 में क्या होगा लास्ट डिजिट हमारा क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद पावर 1 बचेगी यानी कि मल्टीपल आएगा 333 रेज्ड टू पावर 1, मींस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1 × 3 तो लास्ट डिजिट मेरा क्या बनने वाला है 3, तो यानी कि जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो इस केस में क्या होगा हमारा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। सेम इसी तरह से ये 4, अब देखो 4 के लिए मैंने क्या बताया था कि 4 के लिए पावर 2 का मल्टीपल होनी चाहिए यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए पावर, और यही यहां पे गिवन है कि 444 यहां पे 4 लास्ट डिजिट है और इसकी पावर क्या आ रही है हमारे एक इवन नंबर आ रही है यानी कि 2 का मल्टीपल आ रही है, तो इस केस में लास्ट डिजिट क्या बनने वाला है, इस केस में लास्ट डिजिट बनने वाला है 6, यानी कि इसका 6 हो गया। और उसके बाद देखिए क्या है 5 की पावर कुछ भी हो, एनी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू, तो यहां पे कितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हर बार क्या बनेगा 5, यानी कि इस केस में क्या बनने वाली लास्ट डिजिट 5 है। अब हमें पता है जब हम ऐड करते हैं तब भी हमारे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होने के बाद लास्ट में एक यूनिट प्लेस का डिजिट ही बनाते हैं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा 4 + 3 = 7 + 6 = 13 + 5 = 18, यानी कि लास्ट जो डिजिट बनने वाला है वो 18 यानी कि 8 बनने वाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है 37 raised to power 38 raised to power 39, अब हमें बताना है कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं 7, अब मुझे क्या पता है कि मतलब यहां पे अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसके लिए अगर पावर मेरा 4 का मल्टीपल है तो उस केस में यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो अब देखो क्या मैं यहां पे चेक कर सकता हूं कि क्या इसकी पावर 4 का मल्टीपल हो सकती है, यानी कि देखो अगर मैं यहां पे लिखूं कि 37 raised to power 38 एंड 38 raised to power 39, यानी कि 38 को 39 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि अप टू 39 टाइम्स, इसका मतलब यही है यानी कि 38 को 39 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा 4 इंक्लूड है, क्यों इंक्लूड है, क्योंकि अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 37 रेज टू पावर, मैं यहां से 2 निकाल सकता हूं क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, यहां से 2 निकाल सकता हूं क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, यानी 2 × 2 = 4, तो ये बन जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा 19, यहां पे भी 19, उसके बाद बाकी के 38 बच जाएंगे, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी कि देखो ऑलरेडी हमारा 4 इसके अंदर इंक्लूड है, मींस ये जो पूरा नंबर बनेगा ये जो रिजल्ट आएगा ये 4 का मल्टीपल होगा, मींस अगर 7 की पावर 4 का मल्टीपल है तो उस केस में इसका लास्ट डिजिट जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 1 बनने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या आपका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाला है वो क्या आएगा 1। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को ये आप में ये जो कांसेप्ट है अच्छे से समझ में आया है और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।